व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर लवली रिस्पांस प्रीवियस वीडियो पे देने के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, क्या ये फिर से पोस्टपोन होने वाला है। तो इसके ऊपर एक और अपडेट आई है आप लोगों के लिए। AICTE के चेयरमैन ने बात की है द क्विंट से, और उसमें उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, किस तरह से लिया जाएगा, क्या जो एग्जामिनेशन के डेट फिक्स किए गए हैं उस डेट में एग्जामिनेशन हो पाएंगे, और रिजल्ट के बारे में भी उन्होंने बताया है। IITs में एडमिशन के लिए JEE मेंस और JEE एडवांस देना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक की बात की है। तो आइए देखते हैं। ये न्यूज बता दूं आपको, 8 जुलाई 2020 को आई है, तो ये एक वीक पहले की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए, वीडियोज के अपडेट के लिए आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है, वहां पर अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको बता दूं SRM JEE 2020 एग्जामिनेशन को फाइनली कैंसिल कर दिया गया है, और वहां पे क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे या फिर JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा। द क्विंट से बात करते हुए AICTE के चेयरमैन डॉक्टर अनिल ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। पोस्टपोनिंग JEE मेन एंड JEE एडवांस मे हैव कम एज अ रिलीफ फॉर एस्पिरेंट्स, बट द क्वेश्चन अबाउट रिजल्ट एंड एडमिशन प्रोसेस स्टिल रिमेन अ बिग गेस। आपको बता दूं एग्जामिनेशन अगर फिर से पोस्टपोन होता है तो ये उम्मीद की जा रही है कि 12th के बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला अभी है नहीं। उम्मीद की जा रही है कि एग्जामिनेशन हो जाएगा सितंबर में। तो आइए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। उससे पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE है, और ये आपकी नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन की, और इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अनिल। आपको बता दूं उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि JEE मेन और एडवांस क्या पोस्टपोन होगा सितंबर में, या फिर उस समय तक सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि जो आपका पैंडेमिक है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। ये सेकेंड टाइम है जब आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है, आएंगे केसेस तब कमने शुरू हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा उम्मीद की जा रही है। आपका जो JEE मेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है, इसके लिए स्टूडेंट को बहुत सारा फायदा भी हुआ है, क्योंकि अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे वो फॉरेन नहीं जा पाए हैं, और इंडिया ही में ही इस एग्जाम को दे सकते हैं और देंगे, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि एग्जामिनेशन जरूर से लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ कैन द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन सेप्टेम्बर, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन करवाना एक चैलेंज है, मेंटेन करना सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि एक सीट खाली रख सकते हैं बिटवीन टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के बीच में एक सीट खाली रहेगा, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हाफ हो जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, और NTU क्या करना पड़ेगा, एडिशनल सेंटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है कि दो कंप्यूटर के बीच में एक सीट खाली रखा जाए, जिससे बच्चों का सेफ्टी सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो जाएगा। इसके लिए NTU को मेहनत करना पड़ेगा कि एडिशनल सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या JEE मेन और एडवांस को घर पे कंडक्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा डायरेक्शन या फिर डिसीजन जो सिचुएशन को देखते हुए लिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एग्जामिनेशन को होम पे लिया जाए, मतलब घर पे लिया जाए। इसके लिए कंप्यूटर लैब ज़्यादा सफिशियंट है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सारे सिस्टम होते हैं, सेटअप होते हैं, नेट होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके कंप्यूटर लैब में लेना ज़्यादा आसान है, ना कि घर पे। अगर घर पे लेते हो तो बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होगा, या फिर लैपटॉप के बाद उसमें कैमरा होगा कि नहीं, और AI बेस्ड जो टूल है वो अभी इंडिया में उतना सक्सेसफुल नहीं है टोटली। इससे क्या हो सकता है कि चीटिंग भी हो सकती है, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसको अभी घर पे लेना संभव नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि रिजल्ट कब आउट होगा, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रिजल्ट थोड़ा जल्दी डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि उसमें मैनुअली सब कुछ सेटअप रहते हैं। उन्होंने कहा कि रिजल्ट 2 से 3 दिन लगेंगे उनके आंसर्स आने में, और उसके बाद 7 से 8 दिन लग सकता है, मोर देन 7 से 8 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा JEE मेंस का। उसके बाद जो फुल इंटरव्यू है मैं आपको बता दूं द क्विंट पे है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। सो इस वीडियो को लाइक कर देना है, आपको शेयर कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।